शहर कायद कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, लेकिन अब खंडरात में तब्दील होता जा रहा है। जी हाँ, ये है नेशनल स्टेडियम की सड़क, जो कई माह से टूट फूट का शिकार है। इस बारे में आवाम क्या राय रखती है कि इस सड़क के टूट फूट में क्या मुश्किलात का सामना है, आइए इनसे बात करते हैं। टूटी फूटी सड़कें जगह जगह गड़े, ये कराची की अहम शाहरा स्टेडियम रोड है, जो कई माह से टूट फूट का शिकार है। हजारों शहरी रोजाना इसी रास्ते से अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। गर्दों गुब्बार उड़ने से सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। कहते हैं यहाँ सफर करना बहुत दुश्वार हो गया है। रोड खराब हुआ पड़ा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रोजा भी है, धूल मिट्टी हो रही है, इससे बीमारी भी हो रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रहा है। अभी इतनी बड़ी बड़ी सड़कें सारी बनी थी, अगर सड़कें बनानी होती तो पहले इनकी अंडरलाइंस या जो भी चीज़ें हैं यूटिलिटी की, उसको अगर हम देख लें तो इस मुसीबत से सरकार भी उसको पैसे बचें और आवाम को जो तकलीफ है उसका तो कोई मदावा कर नहीं सकते। इस अहम शाहरा पर शहर के दो बड़े निजी अस्पताल भी हैं। मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए भी इसी सड़क से गुजरना पड़ता है। अक्सर एम्बुलेंसें भी यहाँ फंस जाती हैं। एम्बुलेंस चलाने में काफी दुश्वारी होती है, रोड बनने में काफी टाइम लग रहा है। अक्सर मरीज ऐसे होते हैं जो बोलते हैं गाड़ी बिल्कुल आहिस्ता चलाएं, कोई ना कोई इशू होता है, फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि अहम शाहरा को दोबारा से तामीर किया जाए। आवाम का कहना है कि नेशनल स्टेडियम सड़क फौरी तौर पर तामीर की जाए, क्योंकि इसके दाएं और बाएं दो कॉलेज और दो अस्पताल हैं। यहां से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से आवाम ने अपील की कि इसे फौरी तौर पर तामीर किया जाए। कैमरा मैन शाहिद मलिक के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची।